एक शेरवानी लाते तो अच्छा होता, ताकि सबको पता चल जाए आप शादी करने आए हैं। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप रहिए। सही कह रहे। कामिनी अम्मा, कामिनी अम्मा, गुड्डू दूल्हा आ गया। ए मोटी कहीं की, ए भूतनी, तुम्हारे साथ मेरे ससुर शादी नहीं करेंगे। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, मैंने बुलाया है। कामिनी अम्मा, आज तो आपकी शादी है, आपने ये क्या पहना हुआ है और इन्हें क्यों बुलाया है आपने? क्योंकि हम सब लोग एक गैंग हैं। कैसा गैंग? गैंग्स ऑफ गाजीपुर। गैंग्स ऑफ गाजीपुर? अरे ओ गुड्डू के बच्चे, क्या बकवास कर रहा है। बिजनेस। बिजनेस? कैसा बिजनेस? बॉडी पार्ट्स, इंसानों की किडनी, आंखें, भेजा, हड्डी, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा, हम लोग सारे बॉडी पार्ट्स बेच देते हैं खोल खोल कर। आज तेरी आंखें, कान, नाक, हर एक बॉडी पार्ट के टुकड़े टुकड़े करके बेच डालूंगा। क्या कह रहे हैं? गुड्डू भैया, मोटी आंटी, भूतनी अपा, हमारी किडनी, हमारी आंखें आप क्यों बेचेंगी? हमने क्या गलती की है? हमें क्यों सजा दे रहे हैं? कामिनी जी, हमें बचा लीजिए। क्योंकि तेरा ससुर इस उम्र में शादी करना चाहता है। क्यों इस उम्र में शादी करना चाहता है? और हमारा काम है जो बुढ़ापे में शादी करना चाहता है उनको पकड़ कर उनका किडनी, कलेजा, गुर्दा निकाल कर बेच देते हैं, काट काट कर बेच देते हैं। अरे आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलता हूं। मैं कान पकड़ता हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूंगा जिंदगी में कभी शादी का नाम नहीं लूंगा। मैं भी कान पकड़ता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने ससुर की शादी नहीं करवाऊंगा। मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। क्या बात है अब्बा, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? मेरी होने वाली अम्मी कहाँ है, वो आई नहीं? जान, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये लोग किडनी वगैरह निकाल कर इंसान को मार देते हैं। तुम भागो यहाँ से, तुम जल्दी जाओ। भागो जल्दी। ये क्या जान, तुम इनके साथ मिलकर हंस रही हो, हाथ मिला रही हो? क्या तुम भी गैंग्स ऑफ गाजीपुर के सदस्य हो? जी नहीं, ये सब गैंग्स ऑफ गाजीपुर के सदस्य नहीं है, ये सब लोग हैं मेरे सदस्य। ये है मेरी दोस्त मिजोना की अम्मी, मिजोना की मौसी और उसकी बड़ी बहन। हम सब ने मिलकर ये नाटक किया है ताकि इस उम्र में मेरे अब्बा की दूसरी शादी ना करवा पाऊँ। इसलिए मैं आप लोगों को बहला फुसला कर इन लोगों से मिलवाने लेकर आई, ताकि अब्बा शादी करते वक्त धोखा खाएं। मेरी अम्मी जिस घर की बहू थी, मैं नहीं चाहती उस घर में कोई और आकर हक जमाए। इसलिए हम सब ने मिलकर ये नाटक किया और इस नाटक को यकीन में बदलने के लिए तुम्हारे छोटे भाई गुड्डू को शामिल कर लिया था। अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो ये सारा नाटक करके मेरे अब्बा को और मेरे पति को ये सबक नहीं सिखा पाती। गुड्डू। क्यों अब्बा, इस बुढ़ापे में शादी करने का भूत उतरा है या फिर शादी करनी है? अरे बेटी, मैंने सबक सीख लिया, अब मैं कभी शादी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, तुम दोनों को मुझे भी दुबई ले जाना पड़ेगा। अब्बा बिल्कुल ले जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे ये कामिनी सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या?